त्रिकोणमिति अनुपात के अनुप्रयोग। अभी तक हमने जितने कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा है, वे कोण किसी समकोण त्रिभुज के ही कोण थे। समकोण त्रिभुज के अतिरिक्त अन्य त्रिभुजों, चतुर्भुजों, पंचभुजों, बहुभुजों में भी ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और इनके मान निश्चित होते हैं। ये इन कोणों के विशिष्ट गुण होते हैं, अर्थात किसी भी आकृति में कोणों के मान ज्ञात होने पर त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम इन उदाहरणों से समझेंगे। उदाहरण 11। एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, जिसमें कोण बी बराबर 45 अंश और कोण सी बराबर 30 अंश, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज में कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें दो कोण दिए गए हैं और एक भुजा दी गई है, और यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, तो उसकी अन्य भुजाएं हम कैसे ज्ञात कर सकेंगे? आइए देखें कि जब किसी त्रिभुज में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है तो कैसे हम उसके भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ त्रिभुज एबीसी दिया है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी, और जिसमें कोण बी 45 अंश है, कोण सी 30 अंश है, भुजा एबी 5 सेंटीमीटर है। इसको यहां लिख लेते हैं हम, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। आप इस त्रिभुज को देख सकते हैं ए बी सी, जिसमें 45 अंश दिख रहा है, 30 अंश दिख रहा है, कोई भी कोण इसमें 90 अंश नहीं दिखाई दे रहा है, और भुजा ए बी जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। हमको भुजा बी सी और भुजा ए सी ज्ञात करना है। इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि भुजा AC का मान क्या होगा और भुजा BC का मान क्या होगा। जब हमारे पास समकोण त्रिभुज होते थे और उसमें एक कोण और एक भुजा दी गई होती थी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उसकी अन्य भुजाओं को भी ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है, फिर हम कैसे इनकी दो भुजाओं को ज्ञात करें? यदि हम इस त्रिभुज के भीतर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर सकें, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर सकते हैं और फिर हम इसकी शेष भुजाओं को ज्ञात भी कर सकते हैं। तो यहाँ यदि हम ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाल दें और इसे हम नाम दे दें डी, तो ये ए डी है, ये इस पर लंब है। लंब है इसका अर्थ है कि ये कोण जो है वो 90 अंश है। अब ये कोण 90 अंश और ये कोण 45 अंश है, तो अभी दो समकोण त्रिभुज हमारे पास निर्मित होते हैं, एक ए डी बी और दूसरा त्रिभुज है ए डी सी। तो यहाँ हम यदि इस त्रिभुज को लेते हैं, ए डी बी को लेते हैं, तो हम बी डी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और ए डी सी त्रिभुज को लेते हैं तो डी सी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और जब हम बी डी और सी डी को जोड़ देंगे तो हमको बी सी भुजा ज्ञात हो जाएगी। वैसे ही यदि हम त्रिभुज ए डी सी, जो कि समकोण है, उसके बारे में यदि हम उस ले अध्ययन करें, तो पाएंगे कि ए सी भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कोण है और एक भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम अब काम करते हैं चरण से, कि सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी बी को। समकोण त्रिभुज ए डी बी में हमको कौन सी भुजा दी गई है और कौन सा कोण दिया गया है, ये देखना होगा। ये कोण 45 अंश है, तो ए डी भुजा इसके सामने की भुजा हुई, जिसको सम्मुख भुजा कहेंगे, और या फिर हम लंब भुजा के नाम से भी जिसको जानते हैं तो लंब भुजा कहेंगे। और दूसरी भुजा ए बी है, जो ज्ञात है, कर्ण भुजा है। तो लंब और कर्ण जो है वह साइन में होता है,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45 अंश बराबर एडी भुजा बटा एबी भुजा, एडी बटा ए बी। एडी का मान हमको ज्ञात करना है। अब साइन 45 अंश का मान ज्ञात है हमको और एबी का मान ज्ञात है, तो हम एडी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति सारणी में हम देखते हैं साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। एडी हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, और एबी का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से यदि एडी हम जानना चाहेंगे तो 5 को हम इधर गुणा में भेज देंगे तो एडी हमको मिल जाएगा। तो एडी बराबर 5/√2 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में अब हमको दो भुजाओं की माप ज्ञात हो गई। अब इसको हम 5/√2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, भुजा एडी। क्या आप बीडी ज्ञात कर सकते हैं, या बीडी को सीधे ही आप बता सकते हैं? एडी और बीडी दोनों बराबर होंगे। एडी का मान हमको मालूम है और ये बीडी के बराबर होगा। क्यों होगा बता सकते हैं? बराबर होगा इसका अर्थ क्या हुआ कि एडी का मान है 5/√2 सेंटीमीटर, तो बीडी का भी मान हो जाएगा 5/√2 सेंटीमीटर। अब क्यों होगा ये हम इसको देखते हैं। ये कोण 45 अंश है, ये कोण 90 अंश है, और त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो जाहिर है कि ये कोण भी 45 अंश का हो जाएगा। तो इसके इस त्रिभुज के दो कोण 45-45 अंश के हो गए, बराबर हो गए। तो बराबर कोणों के सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है, इसलिए AD बराबर हो जाएगी BD। इसलिए AD का जो मान है वही मान BD का भी मान हो जाएगा। तो हम इसको BD के मान को 5/√2 अर्थात 5/√2 लिखे हैं। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी भी इकाई सेंटीमीटर होगी। तो इसको हम लिख दें कि BD बराबर 5/√2 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज ADB में तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। इस आधार पर BD का मान हमको मिलता है और अब हमको अब आवश्यकता है CD के मान की। तो इसके लिए हमको अब समकोण त्रिभुज ADC की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज ADC में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में क्या क्या चीजें ज्ञात हैं हमको। CD हम नहीं जानते हैं पर AD हमको पता है, AD हमने अभी निकाला, और यहाँ पर एक कोण ज्ञात है 30 अंश। तो यदि हम CD चाहते हैं तो ये भुजा आधार भुजा हो जाएगी और ये भुजा लंब भुजा हो जाएगी, और ये भुजा जो है ये इसकी कर्ण भुजा है। तो हम यदि AC भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, करना चाहें तो AC भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात अर्थात लंब और कर्ण का अनुपात तो यहां से भी ज्ञात हो जाएगा। तो यहां हम साइन लगाएं यदि तो लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AD/AC। साइन 30 का मान आप जानते हैं, ये होता है 1/2, और एडी का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये है 5/√2। एसी हमको ज्ञात करना है तो बटा
ए सी। अब ये मान हम कैसे ज्ञात करें, तो ए सी इधर ले जाएं, तिर्यक गुणा कर दें हम, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी बराबर दो गुणा पांच बटा वर्गमूल दो। अब यदि हम दो को वर्गमूल दो के रूप में लिख सके तो ये और सरल हो सकता है। ऐसा कैसे हम लिखेंगे, हम ये जानते हैं कि वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो यदि हम लिखते हैं तो ये बराबर होता है दो के, इसलिए दो की जगह पे हम लिख सकते हैं वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो गुणा पांच और बटा वर्गमूल दो। तो यहाँ पे वर्गमूल दो, एक वर्गमूल दो जो है वो कट जाएगा और एसी का मान मिल जाएगा एसी बराबर पांच वर्गमूल दो सेंटीमीटर। हमने इस त्रिभुज की एक और भुजा ज्ञात कर ली ए बी सी में। अब हमारे पास ए बी का मान मालूम है और ए सी का मान मालूम है। अब ज्ञात करना है भुजा बी सी का मान, जिसमें हमको भुजा बी डी का मान बी डी की माप मालूम है लेकिन सी डी की माप हमको ज्ञात करनी होगी। समकोण त्रिभुज ए डी सी में ए डी का मान ज्ञात है, ए सी का मान ज्ञात है और ज्ञात करना है सी डी का मान। तो हम ए सी और इस 30 अंश का उपयोग करके सी डी भुजा का मान ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी सी में कास 30 अंश ले लें। कास 30 अंश लेने का अर्थ है कि हम आधार भुजा सी डी ले रहे हैं और कर्ण भुजा ए सी ले रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे कास 30 अंश बराबर आधार भुजा, इसको हम डी सी लिखें और डी सी बटा कर्ण भुजा हम लिखें ए सी। कास 30 अंश का मान कितना होगा त्रिकोणमिति सारणी में हम देखेंगे, तो हमको इसका मान मिलेगा वर्गमूल तीन बटा दो। डी सी ज्ञात करना है हमको और ए सी हमने अभी ज्ञात किया, तो ए सी का मान हमको मिला था पांच वर्गमूल दो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इकाई नहीं लिखेंगे, केवल मान लिखेंगे। तिर्यक गुणा कर लें तो इसको हम लिखेंगे अब डी सी बराबर पांच वर्गमूल दो गुणा तीन और बटा दो। हम केवल पांच वर्गमूल दो को ही इस तरफ भेज रहे हैं गुणा में, जिससे हमको DC का मान ज्ञात हो जाए। तो DC बराबर पांच वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल तीन बटा दो। DC बराबर पांच वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल तीन और दो को हम फिर लिख लेते हैं वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो के रूप में। इससे फिर एक वर्गमूल दो, ये वर्गमूल दो जो है वो कट जाएगा और डी सी का मान अब हमको मिलेगा पांच वर्गमूल तीन बटा वर्गमूल दो। डी सी का मान आया डी सी बराबर पांच वर्गमूल तीन बटा वर्गमूल दो सेंटीमीटर। अब हम बी डी और डी सी को जोड़ेंगे तो हमको बी सी का मान मिल जाएगा, क्योंकि बी डी भी हमें अब ज्ञात हो चुका है और सी डी भी ज्ञात हो चुका है। तो बी सी बराबर बी डी धन डी सी, इनके मानों को रखकर हम जोड़ेंगे। तो बी डी का मान था कितना, मान था पाँच बटा वर्गमूल दो और डी सी का मान अभी हमने निकाला पाँच गुणा वर्गमूल तीन बटा वर्गमूल दो। आप देख रहे हैं कि ये दोनों भिन्न हैं
और भिन्न में संख्याएं हैं, इनको जोड़ने के लिए हमको इनके लघुत्तम समापवर्त्य की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लघुत्तम समापवर्त्य लेकर इसको जोड़ेंगे। तो वर्गमूल दो और वर्गमूल दो, ये इनका लघुत्तम समापवर्त्य आएगा वर्गमूल दो, और इससे इसको भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, एक का गुणा पाँच से करेंगे तो पाँच एकम पाँच, फिर इस वर्गमूल दो से इसको भाग करेंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा फिर इसके अंश से करेंगे तो यह पाँच गुणा वर्गमूल तीन होगा। दोनों पदों में पाँच है तो हम इसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ निकाल कर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाँच गुना, यहाँ पर एक बचेगा तो ये एक धन, यहाँ पे वर्गमूल तीन बचेगा तो ये वर्गमूल तीन और बटा वर्गमूल दो। इस तरह हमने त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं एसी बराबर पाँच बटा वर्गमूल दो सेंटीमीटर और बीसी बराबर पाँच गुना एक धन वर्गमूल तीन बटा वर्गमूल दो सेंटीमीटर ज्ञात कर ली।